तो गाइस इनको देखो ब्लॉग। तो कैसे हो आप सभी, आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो गाइस मैं भी बढ़िया हूँ और सबसे पहले आपको हैप्पी दिवाली ये। तो जैसे कि आज आपको पता है कि दिवाली है और बहुत ही अच्छा त्योहार है और भाई भी मतलब सुबह से क्या मतलब दो तीन दिन से तो ऐसे ही लग रहा है भाई भी आ रही है कि त्योहार आने वाला दिवाली उत्सव। तो आज तो बहुत ही अच्छा मतलब बहुत ही अच्छा दिन है और हमारा फेस्टिवल है जो कि बहुत ही धूमधाम से मनाया जाता है हमारे यहाँ पे भी, जो कि मैं आपको दिखाऊंगी, जो कि हमारे हिमाचल प्रदेश में एक कुल्लू जिले में जो कि बहुत ही कैसे मनाया जाता है वो मैं आपको तो रात को ही दिखाऊंगी। और वैसे तो सभी का एक जैसा ही होता है त्योहार वगैरह। और बाकी करते हैं आज के ब्लॉग की शुरुआत अभी से, और अभी मेरे को जाना है अपने काम पे। तो चलो उससे पहले आपको मैं प्यार प्यार से व्यू दिखा दूंगी, चलते चलते, और चलते हैं अपने काम पे और फिर देखते क्या क्या शॉपिंग करेंगे हम, ठीक है। तो चलिए और इसी से करते हैं आज की न्यू ब्लॉग की शुरुआत। भाभी बन रहे हैं, इनको पता नहीं। हैप्पी दिवाली, हैप्पी दिवाली। यार कुछ ही नहीं बोला आपने तो, सोनम भाई हैप्पी दिवाली। ये देखिए गाइस इनको हम ज्यादा नहीं छेड़ेंगे, या तो ये इकट्ठा हो जाएगा ना। तो सो गाइस आ चुकी हूँ मैं भाभी के वहां से बातें करके, क्योंकि उनको थोड़ा बहुत सामान वगैरह मंगवाना था और वो मैं लेके आऊंगी। बाकी यार मैंने पहले बोला था आपको कि प्यार प्यार से व्यू दिखाती हूँ, तो वो व्यू दिखा लेती हूँ गाइस आपको, ठीक है। और बहुत ही अच्छी वाली बाइक बारी गाइस, आज है दिवाली दिवाली। छोटे बच्चों की तरह बोल रही हूँ मैं, हैप्पी दिवाली। सो गाइस ये है हमारा आज का प्यारा प्यारा सा व्यू जो कि इतना प्यारा लग रहा है, और मैं चलते चलते मैं बोल रही हूँ जो भी हो रही, और बिल्कुल क्लीन है दिवाली में। देखो दिवाली के त्योहार में इतना ज्यादा क्लीन। तो सो गाइस चलते चलते ना मैं इतना दूर पहुंच चुकी हूँ ना, और आंखों से पानी निकल रहा है क्योंकि ठंड की वजह से ना सर्दियों में ऐसा होता है अक्सर, मतलब पानी निकलता है। वाओ यहाँ तो बड़ा ही सुंदर लग रहा है गाइस। तो गाइस ये देखिए हमारे बाजारों में सबसे पहले आपको मेरे हार बेचने के लिए लाए हुए। कितने की दे रहे आप? कितने की? 20। तो सो गाइस पूरी मार्केट बहुत ही सजी धजी है, यहाँ पे भी देखिए फूलों की माला। आओ गाइस बहुत ही अच्छा लगा, ये देखिए ये हमारे लोकल फूल कुल्लू के पहाड़ी फूल। क्या को भाई ने भी रखा है, क्या रखा हुआ है आपने? हमारे पास रखा है फूल है, फुलझड़ी है, और क्या है, ये और बहुत कुछ है, अनार है, सौट है, अनार बम है। तो गाइस यहाँ पे देखिए ये पूरी में बोल के रोड साइड को ना पूरा सजाया गया है, इधर को और सज रहे हैं। तो बट मेरे को गाइस आना है अपने काम पे जाके, और फिर उसके बाद आपसे बात करूंगी। बाकी पूरी मार्केट तो बहुत ही प्यारी लग रही है। तो सो गाइस अभी पहुंच चुकी हूँ अपने काम पे, तो जो थोड़ा बहुत काम है वो करती हूँ, और फिर मेरे को निकलना भी है, जैसे कि आपको पता है शॉपिंग करनी है। शॉपिंग क्या ऐसे सामान वगैरह लेना, मिठाई वगैरह, वैसे तो मैंने बुकिंग करवा दी मिठाई की, तो बस मेरे को लेना ही है, लेने जाना है और फिर घर ले जाना है। तो बाकी मिलती हूँ थोड़ी देर में, ठीक है। तो लो जी गाइस अभी हो चुका है 12 बज चुके, तो बस मैं निकल रही हूँ अब घर की ओर, और थोड़ी बहुत पटाखे पुटखे ले लेती हूँ खुद के लिए, थोड़ा बहुत जलाने के लिए, और फुलझड़ियाँ वगैरह घर के लिए थोड़ा बहुत सामान ले लेती हूँ, और अभी चलते हैं और बस का वेट करते हैं। वैसे बस बहुत कम आ रही गाइस आज, लेकिन क्या करें वेट तो करना पड़ेगा। तो गाइस यार अभी मैं जौरा मार्केट पहुँच चुकी हूँ, और बस उधर रुकी थी, और बस यहाँ से चलती हूँ। सबसे पहले लेती हूँ मैं कलर वाली शॉप से, क्योंकि मेरे को रेड कलर की शीशी लेनी, क्योंकि वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था गाइस। तो करके चलते हैं अभी पर एक कलर वाली शॉप में, ठीक है। तो ये है हमारी कलर वाली शॉप, अंदर चलते हैं जल्दी से। मेरा कलर रेड कलर चाहिए मुझे काम पे। छोटे वाला दो, छोटे वाला, ये हो जाएगा ना इससे। तो ये ले लिया मैंने कलर, रेड कलर। अच्छा
पैकेट पैकेट डालना। कैसे किया था उस दिन? कैसे करते नमस्ते? हाँ ये देखो दोनों मिल गए मेरे को आज। मुझे चाहिए कौन की निकी निका बता तो सही में देख। ये की निका 30 का है। सो गाइस ये देखिए मुझे मुझे का मेरे फ्रेंड्स इनको लाइन नहीं आ रही यार अच्छे से। ये धूप में बैठे हुए हैं। गाइज अभी मैं रोपा अपने रेस्टोरेंट में आ चुकी हूँ। ये देखिए रोपा में तो अभी यहाँ पे डेकोरेट किया जा रहा है। ये है हारे। ये देखिए हेलो गाइज आधे रास्ते तक मैं पहुँच चुकी हूँ और मैं यहाँ से पैदल चल रही हूँ। ये देखिए और गाइज मैं वापस तो पहुँच चुकी हूँ और तुम जो देखते क्या कर रहा है। हेलो हेलो हैप्पी दिवाली हैप्पी दिवाली चाय पी लो। सो गाइस अभी मैं घर पहुंच चुकी हूँ। चलो अभी अपना काम शुरू करती हूँ दूसरा रंगोली बनाने का ठीक है। तो गाइस अभी मैंने रंगोली बना ली है बाहर और मैं आपको दिखाऊंगी क्योंकि यार पता क्या हो गया जो मैंने कलर लाया था मेरे भाई ने ना सारा गिरा दिया। तो मतलब जो कलर लाया था ना वो गिर गया था और थोड़ा सा रहा फिर मैंने मतलब हल्का फुल्का कर लिया। तो मैं आपको दिखाती हूँ और अभी मैं क्या कर रही हूँ ये दिखाती हूँ आपको। तो गाइज अभी मैं ये देखिए थोड़े और फूल लेके आई हूँ क्योंकि मुझे ले जाना है अभी क्योंकि मुझे जाना है अभी देवता जी के पास और उनको हार बना रही हूँ देवता जी के लिए। तो फिर उधर को ले जाऊंगी। ये देखिए ये बन रही है और थोड़ी सी मैंने बना भी ली है। एक ये माला बना ली है मैंने कलश के लिए देवता जी के जो घड़े के लिए और एक ये माला बना ली है मैंने देवता जी के लिए। तो बस अभी इनको ले चलते हैं अपने साथ और मिलती हूँ आपको मैं देवता जी के पास। तो गाइस ये है मेरी रंगोली देखिए ज़्यादा कुछ नहीं किया हुआ है मैंने बस सिर्फ ऐसा ही पूरे आंगन में मैंने बस यही किया हुआ है। ये देखिए तो गाइस ये देखिए मैंने पूरी तरह से देवता जी का धूप माचिस फूल मिठाई सब कुछ मैंने बैग में डाल दिया है। तो अभी हम जाएंगे और देवता जी की पूजा करेंगे धूपबत्ती करेंगे पूजा। गाइस हम यहाँ पे चप्पल उतार देते हैं और अंदर चलते हैं देवता जी के पास। अंदर चलते हैं पूजा करती हूँ फिर आपको दिखाती हूँ ठीक है। मेरे मालिक मेरे प्रभु सुख। तो गाइज अभी हम लगाएंगे देवता जी को हार प्रभु। ये है कलश जिसके लिए मैंने बनाई बहुत ही ओल्ड है और इसमें होता है गोंतर जिसे कि स्वच्छ माना जाता है। ये देखिए। तो गाइज ये थे मेरे कुलजदेव जो मैंने आपको दिखाए। अब चलते हैं हम घर और बाकी काम करते हैं शुरू उसके बाद होगी हमारी दीपावली शुरू। अभी मैं जाऊंगी नीचे अम्मा जी की माँ ठीक है। चलो अभी मेरे को कुछ भी पता नहीं है गाइस मैं ना खिड़कियों से आई हूँ तो अंदर चलते देखते हैं इनका रिएक्ट। हैप्पी दिवाली हैप्पी दिवाली। साक्षी बीमार हो गया अब तब भी नहीं। तो गाइस अभी मैं वापिस आ चुकी हूँ और हवाएं ना इतनी ठंडी ठंडी हवा चलती है ना यहाँ पे इस बोर्ड पे बहुत ही और मैं बोल रही थी कि मैं किसी को पता ही क्योंकि मैं पीछे खिड़की से चले गई थी और चुपचाप से जा रही थी लेकिन रिएक्शन किसी का कुछ है ही नहीं गाइस।
तो खैर छोड़ो, अभी चलते हैं जल्दी जल्दी से। क्या बताइए, मैंने बल्ब लगा दिया है जो कि इतना अच्छा लगा दीवारों में, आप देख सकते हो क्या लाइटिंग हो रही है। गाइस अब आई है कैंडल जलाने की बारी, तो बस अभी हम कैंडल जलाते हैं, ठीक है। तो गाइस ये हमारी कैंडल, अभी कैंडल जलाते हैं और पटाखे देने दूंगा आपसे, बज रहे हैं ना गाइस। क्या ही बोले, घर पे मम्मी और मैं ही है सिर्फ। मम्मी उधर बैठे, इधर आओ, इधर बैठिए मम्मी। मम्मी को जरा ठंडा लगा है गाइस, क्या कर सकते हैं। तो गाइस यहाँ से मैंने पूरे में देखिए कैंडल लगा दी है यार, उतनी अच्छे से लाइटिंग नहीं आ रही। और बाकी रंगोली तो मैंने इधर बनाई है, मैं आपको दिखाऊंगी जो पहले भी दिखाया था मैंने। रुको इधर से दिखाती हूँ मैं। वाओ गाइस ये देखिए वो उधर तक लगी हुई है। कट्ठे हो जाओ इसका। क्या लिया फ्री में? एक क्या बोलते हो जिसमें, देखो क्या बोलते हो, दिखाते गिनती तेरी लाल देख। क्या बता दो, नहीं हुआ आपको। चल भाई इसको, ओए आ रहा गाइस इनको देखो। देखिए बुआ ने जला दी मोमबत्ती जो कितनी प्यारी लगी। देखते कहाँ जलाई थी आपने, ये ले जाओ, कहाँ ले जा रहे हो आप इसको, रखो। वाह गाइस ये देखिए, अभी हमने जला दी है आग क्योंकि बहुत ज्यादा ठंड हो रही है। तो ये देखिए बच्चे बच्चे हो गए, दिख नहीं रहे, बहुत ही लग रहे। ओए यार मत फाड़ यार। गाइस अभी हम आग सेक रहे हैं सभी सभी। दिखा वाला वे वाह, हैप्पी दिवाली, आयो रे आयो रे, शुभ दिन आयो रे। तो गाइस यहाँ पटाखे तो हो गए खत्म और बैठे हम अभी अग्नि ज्वाला से खड़े। तो गाइस काफी ज्यादा मजे किए हम लोगों ने और बहुत ज्यादा खेले, तो आग से की हम लोगों ने, मतलब बहुत मजे किए इस दिवाली। तो इस वाली हमने खूब सारे मजे किए और अभी मैं घर पहुंच चुकी हूँ और रेस्ट करती हूँ गाइस। बहुत ज्यादा थक भी गई हूँ क्योंकि इतने दिनों से दिवाली की सफाई हो रही थी, कभी क्या होता कभी क्या होता। तो कहते हैं आज के ब्लॉग की एंडिंग। तो आई होप आप सभी को आज का ब्लॉग पसंद है, पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना एंड कमेंट कर देना, और चैनल में न्यू हो तो सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलती हूँ आपको एक न्यू ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय एंड गुड नाइट।